दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, परंतु नसीराबाद के गांधी चौक में दीपावली के रात अज्ञात समाज कंटकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को ही खंडित कर दिया। प्रतिमा खंडित करने की सूचना पर पुलिस प्रशासन सहित उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां गांधी जी की प्रतिमा का सिर गायब मिला। पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। मामले में सोमवार गणमान्य नागरिकों सहित पूर्व विधायक राम नारायण गुर्जर, अजय गौड़ छावनी परिषद के चेयरमैन योगेश सोनी सहित लोगों के साथ थाना परिसर में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रशासन ने घटना पर खेद जाहिर करते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। मौके पर उपस्थित तो पूर्व विधायक राम नारायण गुर्जर ने 5 दिनों में आरोपियों को पकड़ने और नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। दिवाली की रात को किसी असामाजिक तत्व ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी है, उसके बारे में आज CLG की मीटिंग हुई। उसके साथ साथ ही नसराबाद के हमारे गणमान्य व्यक्ति भी आए और ये उस मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है कि जो अपराधी है उसको 5 दिन में पकड़ लेंगे। कि असामाजिक तत्व ने इस प्रकार की कुंठित विचारधारा को रखते हुए जो घटना की है, उसके खिलाफ नसीराबाद की जनता एकजुट होकर के आज थाने के ऊपर है। सभी प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद है और यह निर्णय लिया गया है कि जिस भी व्यक्ति ने और असामाजिक तत्वों ने कोई भी विचारधारा का हो, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। 5 दिन का समय प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया है। 6ठे दिन से नसीराबाद का प्रत्येक व्यक्ति इस विषय को लेकर के आंदोलनात्मक कार्यवाही करेगा। भाईचारे और एकता का प्रतीक है, उस पर जो गांधी की विचारधारा को नहीं जीता, जिस व्यक्ति ने ये हमला किया है, ये मात्र गांधी जी की गर्दन नहीं तोड़ी गई है, ये नसीराबाद की और जो हमारी परंपरा संस्कृति रही है उसकी ये परिणति है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने और आदरणीय हमारे पूर्व विधायक साहब ने बताया है, हम लोग इस विषय पर सर्वसम्मति से एक हैं और जिसने भी अग्रणी कार्य किया है पहले तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और प्रशासन ने हमसे समय मांगा है नई मूर्ति का, उसके अलावा जो दोषी है उसको शीघ्र पकड़ा जाएगा और जो जिम्मेवार कर्मचारी उनके विरुद्ध कार्य